I gave you my heart. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिया और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन एंड ट्रेवल रिया में। सो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीम्स, जिसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगी। पार्ट वन आप लोग आज देख रहे हैं और पार्ट टू आप एक दो दिन में देखेंगे। सो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी सीम्स के टाइप हैं यानी जो जितनी भी टाइप की सीम्स हैं उनको सीखें। सो एक तरह से देखा जाए सो बेसिकली आपकी GMT की क्लासेस जो है वो आज से ही स्टार्ट हो रही हैं और मैं बहुत ही बेसिक से आप लोगों को 1x1 जाके सिखाने वाली हूँ। सो बेसिक्स जो होता है गारमेंट बनाने में वो क्या होता है, सिलाइयाँ ही होती हैं कि कौन कौन सी सिलाई होती है, किस गारमेंट में हमें किस तरह की सिलाई देनी चाहिए, वो सारे यूजेस जो हैं वो आपको मैं सिखाऊंगी। और धीरे धीरे चलते हम फिर सारा जो गारमेंट बनाने का प्रोसेस है उस तक पहुँचेंगे। सो एक तरह का आप देखें तो ये एक तरह का मैं आपको बुटीक का ही कोर्स करा रही हूँ। एक तरह से बुटीक में किस तरह से कपड़े जो हैं कस्टमाइज किए जाते हैं, कौन कौन सी नॉलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए अपने बुटीक को रन करने के लिए, सो वो सारे टॉपिक्स भी हम लोग इन्हीं वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा करके कवर करेंगे। जो भी प्रोसेस होती है डिज़ाइनिंग की, पैटर्न मेकिंग की और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग, वो सब कुछ जो भी इम्पॉर्टेंट था वो सब कुछ मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो बेसिकली अब हमारा जो मेन मोटिव रह गया है वो यही है कि कपड़े को हमें किस तरह से सिलना है, किस तरह से उसको बनाना है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको ऐड करना है और किन एलिमेंट्स को अवॉइड करना है। सो वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे इन क्लासेस में कवर अप करेंगे। सो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कर लीजिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। सो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। और क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी ना भूलें, और जितना अच्छा आप लोगों का फीडबैक होगा मैं और उतनी ही अच्छी अच्छी नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सो चलो बढ़ते हैं हम अपने बुटीक कोर्स के पहली क्लास की ओर। सो वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से समझें, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट हो, सो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कॉटन फैब्रिक। तो जब भी आप बेसिक स्टिचिंग कभी भी सीखें तो आपको कॉटन का कपड़ा ही लेना चाहिए, क्योंकि कॉटन का कपड़ा जो है बहुत ही इजीली उसमें क्या हो जाती है, सिलाई हो जाती है, आपका कपड़ा जो है फिसलता नहीं है, खिसकता नहीं है, तो आप अच्छे से जो है स्टिचिंग कर लेते हैं। सो मैंने इसमें 4x4 के ब्लॉक्स बना लिए हैं, आप चाहो तो 5x5, 6x6, 8x8, 9x9, जितना बड़ा आपको स्टिच करना हो आप बना सकते हैं। ये मैं आपको सिखा रही हूँ इसीलिए मैं सैम्पलिंग के लिए ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करूँगी, थोड़े थोड़े कपड़े में आपको समझा दूँगी। सो इस क्लास में हम सबसे पहली सीम यानी कि जो सिलाई है वो सबसे पहली जो सिलाई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली सिलाई है वो है प्लेन सीम, यानी कि जो भी दो कपड़ों को जोड़ने के लिए हम जिस भी सिलाई का उपयोग करते हैं उसे हम प्लेन सीम कहते हैं। यूजली कोई भी दो कपड़े उनको जोड़ने के लिए हम प्लेन सीम का ही यूज़ करते हैं और ये सीम जो है वो सभी को आती है, ऑलमोस्ट सभी करना जानते हैं, थोड़ा बहुत सिलाई तो सभी कर लेते हैं। सो ये जो है वो हमारी सबसे पहली और सबसे बेसिक सीम है जो कि हमें आनी चाहिए और सभी को आती होगी। सो इस तरह से आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। सो ऐसे ही आपको दो कपड़ों को रख कर ज्वाइन करके एक सीम लगा लेनी है जो कि आपकी प्लेन सीम हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं सैंपल्स बना के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। सो इस तरह से आपकी जो है प्लेन सीम यानी कि जो पहली सिलाई है वो तैयार है बनके। सो यहाँ पर एक टिप भी देना चाहूँगी उन बच्चों को जिनकी स्टिचिंग जो है वो सीधी नहीं होती, यानी जब भी वो सिलाई करते हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है अगर, तो जब भी आप स्टार्टिंग करें तो अपनी हेल्प करने के लिए आपको क्या करना चाहिए,
मार्किंग लगा लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं पेंसिल से लगा रही हूँ और पेंसिल की मार्किंग जो है रिमूव नहीं होती है। सो आप लोग ये गलती तब ना करें जब आप कोई फाइनल गारमेंट बना रहे हों। मैं यहाँ पे जो है आपको सिखाने के लिए बना रही हूँ, सो मैंने इसीलिए यहाँ पे पेंसिल का जो है यूज़ किया। आप दूसरे चॉक या किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है आप लोग को समझाने के लिए। और मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर का जो है वो थ्रेड यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और जब मैं स्टूडेंट थी तभी भी हमारे टीचर्स ने जो है वो डिफरेंट कलर से ही हम लोगों से स्टिचिंग करवाई थी ताकि हम जो भी सेम कर रहे हैं उसको हमें समझ में आ जाए। अगर हम सेम धागे से करते तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता। सो आप इसको अच्छे से प्रेसिंग कर लें, और नहीं करना चाहते तो हैंड प्रेसिंग कर सकते हैं नॉर्मली। सो इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे आप स्टिच करने के बाद दोनों तरफ से, और जो भी हमारा अलाउंस है, ये जो दोनों साइड कपड़ा छूटा हुआ है इसको हम अलाउंस कहते हैं। और इसके बाद हम जो हमारा फुट होता है वो टू पार्ट्स में होता है। सो एक फुट का जो है हम दूरी रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, और जो हम सिलाई कर रहे हैं इसको बोलते हैं डबल टॉप सीम, ठीक है। और ये जो है वो मेनली यूज़ होती है जो भी हम डेकोरेटिव स्टिचिंग करते हैं, और या फिर हमें अपनी सिलाई को जो है बहुत मजबूत बनाना हो तो उस सिचुएशन में हम इस सीम का जो है वो यूज़ करते हैं। सो इस तरह से जो है आपको दोनों साइड के टॉप पर क्या है इस तरह से सीम जो है कर लेनी है, यानी कि स्टिचिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमारी जो है वो डबल टॉप सीम भी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट सीम को सीखते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गई हो। सिंगल टॉप प्लेन सीम, इसमें क्या होगा, हम दोनों कपड़ों को आपस में जोड़ लेंगे प्लेन सीम की हेल्प से। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी सीम है या तो हम इसके टॉप पर जो है स्टिचिंग कर सकते हैं, या फिर हम 1 फुट की दूरी पर यहाँ पर जो है वो स्टिच कर सकते हैं। सो दोनों कपड़ों को जो भी आपका अलाउंस है दोनों कपड़ों का, उसको क्या करना है हमें एक साइड मोड़ लेना। यहाँ पर हमने दोनों साइड जो है स्टिच लगाई थी, और यहाँ पर हमें क्या करना है एक साइड ही दोनों कपड़ों को कर लेना है, और हमें यहाँ पे टॉप से जो है स्टिच लगानी है। सो ये जो हमारी सिंगल टॉप प्लेन सीम होती है ये क्या करती है, कपड़े को एक तरह से डेकोरेटिव भी बनाती है। जहाँ पे थोड़ा सा हमें ऐड ऑन करना है अपने गारमेंट में, कुछ यूनिक सी सीम दिखानी है, वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। प्लस ये क्या करता है, जो हमारी अलाउंस होता है उसको भी स्ट्रांगली क्या करता है स्टिच करके रखता है। सो इस तरह से हमारी जो सिंगल टॉप प्लेन सीम है वो भी स्टिच होके तैयार है, आप दे सकते हैं। सो कुछ इसी तरह से आपको भी अपने सैम्पल्स जो हैं वो बना के रख लेने हैं। सो अब हमारी जो नेक्स्ट सीम है वो है स्लॉट सीम। सो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे फैब्रिक के पोर्शन हैं उनको हमने कट कर लिया है, और कहीं पे भी हमें कोई स्लॉट ऐड करना हो, जैसे ये जो कंट्रास्ट पे मैंने लिया है डार्क पिंक का फैब्रिक, तो क्या हुआ, जब भी हमें किसी भी फैब्रिक में स्लॉट ऐड करना होता है तब हम इस तरह से कोई भी कलर का फैब्रिक लेते हैं और उसको क्या करते हैं इस तरह से स्टिच कर देते हैं, तो वो क्या करता है एक तरह का स्लॉट क्रिएट करता है। सो वो हमारी होती है स्लॉट सीम। सो ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना होता है, कोई भी कपड़ा लेना होता है आपको, उसको दोनों साइड से जो है स्टिच करके जो है जॉइन कर लेना होता है, यानी कपड़े को एक बना लेना होता है। यानी कि अभी ये 3 पोर्शन में है तो उसको हमने एक पोर्शन में बना लेना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा एक फैब्रिक बन गया, और इस तरह से बीच वाला कपड़ा हल्का है तो इसीलिए वो उठ रहा है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे, टॉप स्टिच लगा देंगे दोनों साइड पे। सो इसकी अच्छे से आप प्रेसिंग जब कर लेते हैं तो कपड़ा जो है आपका बैठ जाता है, जैसा कि ये बैठ गया है। अब जो भी हमारा कपड़ा है उसमें हम दोनों साइड जो है वो
टॉप स्टिच लगाएंगे, जैसा कि हमने अभी सीखा डबल टॉप स्टिच। सो इसमें हमने क्या किया, एक जो है स्लॉट ऐड कर दी, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर डेकोरेटिव जो है जब भी हमें डिज़ाइन बनानी होती है सो इस तरह से हम जो है एक स्लॉट ऐड करके डिज़ाइन जो है वो बनाते हैं सीम के द्वारा। सो होपफुली आज की ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को 100 लाइक्स दे दो जल्दी से, और जो पार्ट टू है वो भी बन गया है, बस आप लोग जल्दी से इसको 100 लाइक तक पहुंचा दो। जैसे इस वीडियो में 100 लाइक हो जाएंगे मैं आप सभी के साथ पार्ट टू जो है वो शेयर कर दूंगी इस बात की, जल्दी से इस वीडियो को 100 लाइक्स देकर। और जो भी लोग हैं सिलाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आपके फैमिली में नोइंग है, उन सब के साथ ये वीडियोज़ जो हैं जो बुटीक की अब मैं लेकर आने वाली हूँ वो भी शेयर करें। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।